हेलमेट लगाइए आप। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे इस तरह की जो बिद्दतें होती हैं, हम अक्सर जब हम देखते हैं कि हमसाये के घर में अगर कोई बीमारी है वो तो आपके घर तक पहुंचे। आपने कुछ देर पहले देखा कि जब चाइना में कोरोना वायरस ब्रेक हुआ तो आपने कश्मीर में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता कि यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके नेबर्स हेल्दी हैं तब आप हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज़ ये इन्फेक्शन जो है आपने देखा कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। ये इन्फेक्शन, ये चीज़ जो एक टाइम पर साउथ अमेरिकन एक हेजेमनी थी वहाँ पर ये चीज़ें चलती थी, आजकल कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, घर घर की बात है। तो इसलिए इस लड़के ने, इस नौजवान ने जो अपने कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, काबिल तारीफ़ और दाद तहसीन के लायक भी है कि यहाँ से ये कन्याकुमारी जाएंगे, पूरी नेशन को ये पैगाम देंगे कि हमें इस मेहनत से, इस बिदत से बाहर आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हर नौजवान को समझने की ज़रूरत है और हर नौजवान को इस डायरेक्शन में, इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है कि हम जो लोग इसमें ऑलरेडी मुब्तला हैं उनको इस ग्रिप से बाहर निकालें, और जो बाकी लोग हैं हु हैव द पोटेंशियल ऑफ फॉलिंग इन टू दिस ट्रैप उनको हम अवेयर करें। और वही काम जो है आज आकिब ने अपने कंधों पे लिया है और एक सोलो ये बाइक राइड यहाँ से कन्याकुमारी तक जाएंगे, तकरीबन इफ़ ऑल गोज़ वेल आई हैव बीन टोल्ड कि 10 दिन इसमें लगेंगे और वापस आने में 20 दिन इनको लगेंगे, और ये अकेले ही वहाँ जाएंगे इस पैगाम को लेकर। और मैं चाहता हूँ ये, वो कहते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवान बढ़ता गया। इसी तरह से आगे आगे मैं चाहता हूं कि जहां जहां से ये गुजरे लोग इनके साथ जुड़े, इनका ये मैसेज एक्सेप्ट करें, उन तक पहुंचे, और इस चीज़ के लिए जो इन्होंने ये थीम इसका लिया है ड्रग फ्री नेशन, ये फैले और हम अपना पर्पस जो है अचीव करें। जैसे आदिल साहब ने आपको कहा कि ये ऐसी चीज़ है जो खाली कश्मीर में नहीं है, इट्स एवरीवेयर। सो ये मैसेज मैं हर किसी को पहुंचाना चाहता हूं कि हर किसी को ये मैसेज जाए कि इट्स लाइक अगर मैं यहां से कश्मीर में ये काम करूं, सो इट्स लाइक एक मैसेज मैं देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, दीज आर टू दो मेरे मोटिव है, एक है स्पोर्ट्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स जो लोग नहीं करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ, गवर्नमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम यूज़ नहीं करते हैं। सो इसीलिए मैंने एज अ राइडर मैंने बाइक को चुना एंड आई एम राइडिंग इट फ्रॉम के टू के कश्मीर टू कन्याकुमारी। सोलो 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 आई एम सिंगल। यस, जैसे आप नौजवान हैं जी, आप यहाँ से जा रहे हैं, तो अभी क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो बाकी यूथ्स हैं, स्पेशली फॉर दोस यूथ्स व्हाट जस्ट इन्वॉल्व इन द ड्रग मैनर्स, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, उनके लिए ये एक मैसेज यही है कि आप अगर डिप्रेशन के शिकार हैं या आपको और कोई प्रॉब्लम है, आप बात करें, यू नो, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आप एक दूसरे को फ्रेंड से बात करें, आप पूछें एक दूसरे को कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे रास्ते पे ना जाएं, देयर आर लॉट ऑफ वेज। आप, मैंने जैसे कहा, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, आप अपने आप को बस इन्वॉल्व रखिए बहुत सारी चीज़ों में, ऐसा ना करें कि आप ड्रग्स की तरफ चले जाएँ।